सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, एलविश यादव को लेकर फेक न्यूज स्प्रेड की जा रही है कि एलविश यादव को जम्मू में पिटाई की गई। और कई साथ ही आप लोगों ने एलविश यादव की जम्मू में हुई लड़ाई वाली वीडियो तो देख ही ली होगी। तो गाइस, इन्हीं सभी बातों को लेकर न्यूज वाले भी अपने चैनल पर फेक न्यूज दिखा रहे हैं कि एलविश यादव और उनके दोस्त राघव शर्मा की जम्मू कटरा के अंदर पिटाई की गई। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस बंदे की राघव शर्मा और एलविश यादव से तू तू मैं हुई थी, उस बंदे ने खुद एक वीडियो अपलोड किया अपोलोजाइज वाला, और उन्होंने उस वीडियो में यह भी कहा है कि दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था वहां पर। और उसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर उस बंदे ने अपोलोजाइज करते हुए क्या कहा अपने वीडियो के अंदर, आप लोग खुद सुनिए। नमस्कार दोस्तों, सबको जय माता दी। मैं प्रदीप सिंह, NH1 न्यूज का पत्रकार। एक झूठी खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फैलाई जा रही है कि एलविश यादव जम्मू कटरा में आए थे और उनकी लड़ाई हुई और उनको मार पड़ने की नौबत आई थी और क्राउड ने उनके साथ बदतमीजी की। मैं आप सबको बताता चलूं, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअल में हुआ ये था कि एलविश यादव अपने दोस्तों के साथ कटरा में माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए थे और उन्होंने दर्शन किए भी थे। वो कटरा के एक मुख्य बाजार के ढाबे में खाना खा रहे थे। जैसे ही हमें पता चला हम वहां पहुंचे तो क्राउड ने उनको घेरा हुआ था। हमने उनसे दो सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन क्राउड के चलते वहां पे राघव भाई उनके साथ थे। वो हमारी थोड़ी सी तू तू मैं हो गई थी, लेकिन तुरंत ही हमारी बात क्लियर हो गई थी। उसके चलते एक छोटी सी क्लिप को वायरल किया जा रहा है। तो मैं आप सबको बताते चलूं, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। ये एक सिर्फ फेक न्यूज फैलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में, मुझे मुसलमान समझा जा रहा है, पत्थरवाद समझा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, वो एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी हम दोनों की, तो वो हमारा क्लियर हो चुका था। ये सिर्फ एलविश भाई का नाम खराब किया जा रहा है और मेरा नाम खराब किया जा रहा है, ये मैं अपने माध्यम से बता रहा हूँ। और गाइस, इस वाली फेक न्यूज के बाद न्यूज रिपोर्टर भी एलविश यादव का पीछा कहाँ ही छोड़ने वाले थे। उन सभी न्यूज रिपोर्टर के ऊपर एलविश यादव ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जब तक ये न्यूज वाले जिंदा है तब तक फेक नैरेटिव पीआर चलाते रहेंगे, हमारे पर हाथ आने वाले जिस दिन पैदा होंगे उस दिन कलयुग का अंत आ जाएगा, चीयर्स। तो गाइस, आप लोग इस कॉन्ट्रोवर्सी और एलविश यादव के बारे में क्या कहना चाहोगे, अपने ओपिनियन नीचे कॉमेंट कर जरूर बताना। और गाइस, आज के लिए बस इतने अपडेट थे, जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।